अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, काफ़ी बारिश हो रही है कुछ दिनों से, दो तीन दिन से हो रही है। तो अभी मैं आया था बाहर, 11 का टाइम है, तो थोड़ा सा बारिश जो है वो कम हुई थी, तो मैंने सोचा आपको भी मैं अपने खेतों की सैर करवा दूं। तो मैं देखने आया था फसल को, मैंने सोचा क्यों ना आपसे भी शेयर किया जाए। तो अभी मैं आपको खेत दिखाता हूँ अपने। तो काफ़ी खूबसूरत मौसम हो गया, काफ़ी अच्छा मौसम हो गया। एक दफ़ा बारिश हो गई है ना, तो मौसम जो है वो खुल जाएगा अब इसके बाद, तो ये बड़ा अच्छा हो गया, अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है। तो अभी मैं बाहर निकला हूँ तो परिंदे जो हैं वो बड़ी खूबसूरत और सुरीली आवाज़ें निकाल रहे हैं, तो काफ़ी मज़ा आ रहा है घूमने का। अभी थोड़ी देर घूमेंगे और घर जाके कोई चीज़ बनाएंगे इंशाल्लाह, तो उसकी वीडियो भी आपसे शेयर करते हैं। तो आप देखिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मौसम कैसा लगा और खेत कैसे लगे। और अभी जी परिंदे देखें कैसे खुश हैं, और अभी मुझे उम्मीद है कि आज हो सकता है कि आज जो सारा दिन है बारिश हो। अभी थोड़ी सी कम हुई है, बिल्कुल हल्की, तो बाहर निकले हैं लोग, अभी कोई जानवर का चारा वगैरह काटेंगे, तो उसके बाद ये जी हमारे गांव का व्यूज़ है बाहर से, आसमान पे बादल हैं देख सकते हैं आप। और ये गन्ने की फसल, ये देखें अभी बारिश हो गई है, अभी गुड़ जो है वो कुछ दिन नहीं बनेगा क्योंकि धूप लगेगी, तो उसके बाद जो है गुड़ वगैरह दोबारा बनाना शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कल रात की बारिश हो रही है तो किचन हमारा बिल्कुल डिस्टर्ब हो गया, तो आज हम बना रहे हैं मटन हांडी। तो चलिए शुरू करते हैं और मटन हांडी बनाते हैं। सबसे पहले ऑयल हमने शामिल किया हांडिया के अंदर, ऑयल में थोड़ा सा ज़ीरा शामिल किया, और अब इसमें हम प्याज शामिल कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमान, प्याज को हल्का ब्राउन कर लिया हमने, अब थोड़ा सा हम इसमें लहसुन शामिल करते हैं। बिस्मिल्लाह, सब्ज़ लहसुन शामिल कर रहे हैं हम। इन दिनों में ताज़ा जो लहसुन है वो ही इस्तेमाल किया जा रहा है, सब्ज़ लहसुन, और यही गाँव में ज़्यादातर इस्तेमाल हो रहा है। इसका टेस्ट भी बड़ा अच्छा है। तो अभी ये भुन चुका है लहसुन हमारा, अब इसमें हम अदरक शामिल करते हैं, अदरक कुटी हुई।
टमाटर और सब्ज़ मिर्च शामिल करते हैं। लाल मिर्च, नमक और हल्दी। थोड़ा सा पानी शामिल कर लेते हैं। आपकी तरफ मौसम कैसा है आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। गाँव में अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा शुक्र है कि ये बारिश जो गंदम की फसल है उसके लिए बड़ी ही ज़बरदस्त है, क्योंकि काफ़ी लोग दुआएं कर रहे थे कि अल्लाह ताला अपनी रहमत की बारिश अता फरमाएँ। तो ये जो बारिश हुई है ये हमारी जो फसलें हैं गंदम की उनके लिए बहुत ही मुफीद है, तो इसलिए अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा किया जाए उतना ही काम है। पानी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी फसलों को। मसाला हमारा अच्छे तरीके से भुन चुका है, तो अब इसमें हम मटन शामिल कर लेते हैं। तो आज हमने शोरबा बिल्कुल नहीं बनाना, माशाल्लाह से बड़ी प्यारी खुशबू आना शुरू हो गई है। और ये देखें कितना ही ज़बरदस्त इसका मसाला भी भून रहा है, साथ साथ मटन को हम भून रहे हैं, ये देखें माशाल्लाह। अब जो इसकी ग्रेवी बनेगी ना सुभान अल्लाह। माशाल्लाह से बड़ा ही ज़बरदस्त तैयार हो गया मटन हमारा। तो इसमें पानी हमने बिल्कुल नहीं डालना, इसी तरह इसको हमने रखना है। तो अब इसमें मैं शामिल कर लेता हूँ सब्ज़ धनिया। बिस्मिल्लाह, तो अभी मैं इसको निकाल लेता हूँ। हांडी हमारी बिल्कुल तैयार हो गई है, अब इसको हम नीचे उतार लेते हैं। और साथ ही बारिश भी जो है वो हल्की हल्की शुरू हो गई है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी, अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।